हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² - 11x - 20, और इसको हमें फैक्टराइज़ करना है। तो इसको फैक्टराइज़ करने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हम जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमारे पास +3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -20 के पास के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -60। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 60 आए, -60 आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -11 आए, यानी कि मिडिल टर्म में जो x का कोफिशेंट है। तो अब हम ये देखेंगे कि 60 जो है वो यानी कि कौन कौन से टेबल में आता है, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो है वो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि ये किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो सबसे पहले तो देखें, हमारे पास 60 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 1 × 60 हमारे पास 60 होता है, लेकिन हम 1 और 60 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 11 नहीं आएगा। इसी तरीके से 2 के टेबल में आता है, 62 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाता है, लेकिन 2 और 30 को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11 नहीं आएगा। इसी तरीके से 3 के टेबल में आता है, 3 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 होगा, और 3 और 20 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11 नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है 4 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो भी 60 आएगा, और 4 और 15 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -11 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि +4 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये ऊपर वाला नंबर आ जाए -60, और +4 और -15 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11। हमें यहाँ पे साइन को प्रॉपर्ली लिखना होता है, क्योंकि अगर देखें ऊपर एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को और कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -60 आ रहा था, तो हमने जो दो फैक्टर सोचे हैं उनको भी मल्टीप्लाई करने से -60 ही आना चाहिए, इसीलिए हमने +4 और -15 दिया। और इधर भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि +4 और -15 को जब हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -11 आना चाहिए जो मिडिल टर्म है, और इसका साइन भी हमारे पास वही आना चाहिए। तो हमारे पास देखें कि +4 और -15 करने से -11 आ गया, यानी कि ये -11 + 4 और -15 में ब्रेक हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3x² एज इट इज़ लिख लेंगे, और इस -11x की जगह हम क्या लिखेंगे +4x और -15x, यानी कि यहाँ से ही हमने जो ब्रेक किया है इसी चीज़ को लिख दिया, इसके साथ हमने x लिख दिया, और ये -20 अब हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम स्टार्टिंग टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो जो है वो हम जो है वो जैसे हमें नज़र आ रहा है कि नंबर में तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों को कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो जब दो नंबर जो है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तो 1 से ऑब्वियसली डिवाइड हो रहे होते, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और एक्स है, तो हम चाहें तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास अब क्या बच जाएगा 3x को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² मिल जाएगा, और x को हम +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x मिल जाएगा। इसके बाद -15x और -20 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम वो नंबर कॉमन ले सकते हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो और वो मैक्सिमम नंबर हो, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो जो है वो हमारे पास 5 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है 15 और 20 का, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा +4, और हम चाहें इसे चेक कर लें तो -5 को हम +3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x मिलेगा, और -5 को हम +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -20 मिलेगा। अब इसके बाद हम देखें कि हमारे पास जो है वो 3x + 4 और 3x + 4 ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, हम इसे कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x + 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास x बच जाएगा, और यहाँ से 3x + 4 कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे हमारे पास -5 बच जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज़ हो गई है, 3x² - 11x - 20 जो है वो फैक्टराइज़ होने के बाद आपकी कन्वर्ट हो चुकी है 3x + 4 × x - 5।